डीजल फ्यूल सिस्टम के पार्ट्स, इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगाए जाते हैं? नंबर वन टैंक, जिसे हम फ्यूल टैंक कहते हैं। सेकंड फिल्टर, जिसे हम फ्यूल फिल्टर कहते हैं, डीजल फ्यूल फिल्टर। लो प्रेशर पंप, एक लो प्रेशर पंप, उसके बाद एक हाई प्रेशर पंप एंड उसके बाद इंजेक्टर्स। वन बाय वन हम इनके बारे में समझेंगे। फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक, जो हम फ्यूल टैंक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या चीज़ है कि जिसमें हम फ्यूल को स्टोर करके रखने वाले हैं, जहाँ पे हम फ्यूल को स्टोर करके रख सकते हैं। इसका अपना एक पर्टिकुलर साइज होगा, एक आकार होगा बना हुआ, वो चौकोर हो सकता है, गोल हो सकता है, या किसी दूसरे डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप में हो सकता है। इसके बाद है क्वांटिटी, मात्रा उसके अंदर कितनी आ सकती है फ्यूल की, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर, कि 30 लीटर का टैंक है, 40 लीटर का, जैसे हैवी ट्रक्स होते हैं वहाँ पर 200-200 लीटर का टैंक होता है, 400-400 लीटर का टैंक होता है, क्योंकि उन्हें लंबी दूरी तय करनी होती है, और गाड़ियों के अकॉर्डिंग अलग अलग हमारे पास फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। अब फ्यूल टैंक के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो फ्यूल टैंक के अंदर एक गेज लगा हुआ होता है। इसके अंदर क्या लगा हुआ है? एक गेज जो इंफॉर्मेशन भेजेगा भाई फ्यूल है कितना इसके अंदर, इंडिकेट करने के लिए। साथ ही इसके अंदर पंप हो सकता है या इसके बाहर हो सकता है। यहाँ पर एक जाली लगी हुई मिलेगी जिसे हम स्ट्रेनर भी बोलते हैं। अब ये जो जाली लगी हुई है क्या करेगी, यहाँ पे जो कोई भी हैवी कोई अगर कण यहाँ पर आ गया है तो वो उसको क्या करेगा, उस कण को यहीं पर स्टॉप करके रोक देगा ताकि वो आगे ना बढ़ सके। एंड यहाँ पर आप ये देखेंगे एक ये प्लेट जैसा एक पार्ट यहाँ पर बनाया गया है, ये क्या चीज़ है? अगर हम आर्किमिडीज के सिद्धांत की बात करें तो उस सिद्धांत में बोला गया कि हर लिक्विड के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ता है, तो अकॉर्डिंग टू द एरिया, इस बाहरी एरिया की तरफ, इस कटोरे से बाहरी एरिया की तरफ क्या होगा, बाकी जगह पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा पड़ रही है, तो यानी इसके अंदर की तरफ क्या होगा, इस कटोरे में फ्यूल आ सकता है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे हॉल बना हुआ होता है, यहाँ से फ्यूल इसमें आता रहता है ताकि क्वांटिटी कम या ज़्यादा ना हो। इसका एक बेनिफिट और भी है कि अगर मान लीजिए कि गाड़ी तिरछी चल रही है, यानी या तो ढलान पर गाड़ी उतर रही है या फिर गाड़ी चढ़ रही है, तो उस केस में क्या होता है, गाड़ी की पोजीशन बदल जाती है। तो पोजीशन बदलाव के दौरान, गाड़ी की पोजीशन बदल रही है तो ऐसा ना हो कि फ्यूल पंप को फ्यूल ना मिल पाए, ऐसे केस में हमारा इंजन बंद हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ऐसा अरेंजमेंट रखना चाहते हैं कि फ्यूल की क्वांटिटी कंटिन्यू वहाँ बनी रहे। तो ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट लगा हुआ है ये उसको करने में हेल्प करता है। सेकेंडरी वर्क इसका ये भी है कि फ्यूल के अंदर झाग नहीं बनने देता है, बबल्स नहीं बनने देता है, उसको भी रोकने में ये हेल्प करता है। इसके साथ साथ क्योंकि अब हम समझ चुके हैं कि फ्यूल टैंक के अंदर मान लीजिए मैंने फ्यूल भर दिया फुल, अब धीरे धीरे मैं गाड़ी इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, तो फ्यूल का लेवल क्या, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होता चला जाएगा। जब डिक्रीज़ होगा तो हमें पता है कि अंदर अगर फ्यूल कम हुआ है तो वहाँ पर उस जगह को जहाँ पे फ्यूल ख़त्म हुआ वहाँ पर एयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जो फिलिंग कैप होती है जहाँ से आप फ्यूल को भरवाते हैं, उस फिलिंग कैप के अंदर एक वन वे वाल्व लगा हुआ है, और वो वन वे वाल्व क्या करता है कि बाहर की जो एयर है वो इन कर सकती है, बाहर की जो एटमोसफियर की जो एयर है वो इन कर सकती है। और इसके ऊपर एक रैचेट लगा हुआ होता है जिसकी हेल्प से जब हम फिलिंग कैप को वापस टाइट करते हैं तो कड़कड़ कड़कड़ की आवाज़ करता है, ब्लैक कलर का होता है। आई होप आपको फ्यूल टैंक के बारे में समझ में आया होगा। अगर मैं इसकी बात करूं कि बना हुआ किस चीज़ का होता है, तो पहले स्टील की चादरों का बना हुआ आता था, और आज करंट सिनेरियो में कुछ गाड़ियों के अंदर फ्यूल टैंक प्लास्टिक के भी आने लगे हैं, क्योंकि हम गाड़ी लाइट वेट बनाना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर क्या काम करेगा, आपका जो फ्यूल फिल्टर है वो प्रिवेंट करेगा डस्ट से, रोकेगा डस्ट को, एक तो आपके डस्ट को रोकेगा, दूसरा रोकेगा मॉइस्चर को यानी नमी। धूल और नमी को रोकने का काम करेगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि फ्यूल के अंदर वाटर कंटेंट अगर आ गया तो जब आप फ्यूल को सिलेंडर के अंदर डालोगे तो यानी कुछ वाटर चला गया उसमें, यानी फ्यूल जितना मुझे भेजना था उतना नहीं जा पाया, तो वही एरर हो सकता है। उसको ख़त्म करने के लिए हमने फ्यूल फिल्टर लगाया है जो डस्ट और मॉइस्चर दोनों को ख़त्म करेगा, क्योंकि फ्यूल जब तक
आएगा, आप तक पहुंचेगा पेट्रोल पंप से होते होते, तब तक कई जगहों से उसको एक जगह से दूसरी जगह पर फिलअप किया जाता है। और जब हम उसको फिलअप करवाते हैं तो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में जो डस्ट होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है, उस डस्ट को रोकना जरूरी है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिल्टर की। तो फिल्टर्स होते हैं सिंगल एलिमेंट, ड्यूअल एलिमेंट, हीटेड टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगल एलिमेंट समझते हैं। सिंगल एलिमेंट में क्या होगा कि एक एलिमेंट लगा हुआ होगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिल्टर हमारे पास लगा हुआ है सिंगल एलिमेंट हो सकता है, ड्यूअल एलिमेंट हो सकता है, कि हमने क्या किया कि दो एलिमेंट उसके साथ जोड़े हैं। एक एलिमेंट जोड़ा है जिसमें बहुत ही बड़े बड़े हॉल्स हैं, यानी मोटे कण को छानने की क्षमता है, और दूसरे में बारीक कण को छानने की क्षमता होगी, यानी उसको क्लीन अप करने की क्षमता है। सिंगल में वन लगा हुआ है और ड्यूअल में दो लगे हुए हैं। जो पहला लगा है वो मोटे कण को छानेगा, फर्स्ट जो है वो क्या करेगा, मोटे कण के लिए, और सेकंड छोटे कणों के लिए, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी सिंगल एंड ड्यूअल। अब इसकी बात कर लेते हैं व्हाट इज द एलिमेंट। एलिमेंट जो है वो आपका सेरेमिक हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आरओ के अंदर जो फिल्टर्स अगर कभी देखे हो तो उसमें क्या होता है, एक मिट्टी नुमा चीज से बना हुआ होता है, वो भी फिल्टराइजेशन का काम करता है। या हो सकता है जरा पेपर टाइप का भी इस्तेमाल किया जाता है। पेपर का मतलब यहाँ पर ओरिजिनली कागज़ से नहीं है, उसके साथ कुछ ना कुछ कॉटन जैसा भी क्वांटिटी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, दोनों को मिक्सअप करके बनाया जाता है। आई होप सिंगल एंड ड्यूअल समझ में आया। अब बात करते हैं हीटेड। अब हीटेड टाइप में यानी उस फिल्टर के ऊपर एक ऐसी अरेंजमेंट लगी हुई है, इस फिल्टर के ऊपर ही एक अलग से अरेंजमेंट लगा हुआ है जिसके अंदर मैंने क्या लगा दिया है, हीटर। इसके अंदर मैंने क्या लगा दिया है, हीटर। और इसमें मैं ड्यूअल एलिमेंट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और सिंगल एलिमेंट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसकी अब रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी डीजल गाड़ी कई बार बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में चली जाती है, वहाँ पर हमारा फ्यूल जो है वह ज़्यादा गर्म नहीं होता है, वो वैक्स टाइप का रूप ले लेता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। अगर वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो वो फ्यूल ठंडे इलाकों में सही तरीके से परफॉर्म नहीं करा पाएगा एट ए स्टार्टिंग टाइम। उस समय पर हीटेड टाइप जो होता है वो इस्तेमाल में लाया जाता है। ये सभी गाड़ियों में नहीं होता है, स्पेसिफाई गाड़ियों में आता है ये तकनीक, और वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हमें पता है हमारी गाड़ी ऐसे इलाकों तक नहीं जाने वाली, या हमने अपनी इंजन की तकनीक में कुछ चेंज किया, तो हम सिंगल एलिमेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे लो प्रेशर पंप की, जिसे हम फीड पंप भी बोलते हैं, यानी टैंक से हाई प्रेशर तक लेकर के आना पंप तक। तो उसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम एक पंप का इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड जो पंप है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल में क्या होता है, या तो आप हाई प्रेशर पंप के द्वारा ही उसको ऑपरेट कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका हाई प्रेशर पंप है, ये आपका टैंक है। हो सकता है यदि इलेक्ट्रिकल है तो हो सकता है इलेक्ट्रिकल यहाँ पर लगा हुआ, अगर इलेक्ट्रिकल यहाँ पर नहीं है तो बीच में तो ये हो गया हमारा फिल्टर, यहाँ पर आपको लो प्रेशर मिल जाएगा। अगर यहाँ लगा हुआ है तो है मैकेनिकल, क्या है, मैकेनिकल पंप। और अगर यहाँ पर लगा हुआ होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पंप, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब यहाँ से लेकर टैंक से लेकर के हाई प्रेशर पंप तक जो प्रेशर पहुँचाना है वो कितना प्रेशर हमें डिलीवर करना है, अगर मैं ये मान के चलूँ कि इसमें इलेक्ट्रिकल लगा हुआ है यहाँ पंप, तो इस जगह यानी हाई प्रेशर पंप तक कितना प्रेशर डिलीवर करना है, तो प्रेशर जो डिलीवर करना है वो कितना है, 4 से 5 बार। यानी यहाँ तक जो प्रेशर पहुँचना चाहिए वो होना चाहिए 4 से 5 बार का। अंडरस्टूड हो रही है ये बात। चल आगे हम बात करेंगे कि अब जो पंप है, पंप ने आगे डिलीवर कर दिया, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना, जैसे
इस टैंक ने आके डिलीवर कर दिया, अब आप इंजन बंद करके चले गए, घर चले गए, अब छोड़ दिया आपने गाड़ी को, तो हो सकता है कि यहाँ से जो फ्यूल है वो वापस इसके अंदर चला गया। तो होता क्या है, यहाँ पर एक वन वे वॉल इसके अंदर अरेंज किया जाता है इंटरनल, वो क्या करता है इसके रास्ते को रोक करके रखता है। रास्ते को रोक करके रखने से क्या होता है, इस लाइन के अंदर जो फ्यूल है वो होल्ड रहेगा। तो ये है वो आपका वन वे वॉल, जिसमें एक बॉल लगा हुआ होता है, ये लाइन के अंदर इनबिल्ट होता है, पतली सी लाइन में इनबिल्ट हो सकता है, वहीं पर लगा हुआ होता है, और ये इस काम को करता है कि लाइन के अंदर जो प्रेशर है उसको होल्ड करके रखता है, और लाइन के अंदर लिक्विड को भी यानी फ्यूल को भी होल्ड करके रखेगा।